स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रामेटिकल सेक्शन ऑफ द स्टोरी द न्यू बायस्किन। ये वन क्लास के लिए है, वन क्लास के बच्चों का है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था द न्यू बायस्किन, तो आप लोग द न्यू बायस्किन का क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे आई होप, और उसके बाद स्टोरी का आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोग जो स्टोरी का जो ग्रामर सेक्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। दैट मीन्स एक ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब देख लो कैसे बनता है क्वेश्चंस जान जाओगे, सीख जाओगे, यहाँ ऐसे बनेगा तो खुद से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। तो एक ओवरव्यू ले लो कि कैसे बनाना है क्वेश्चंस को, फिर मैं आंसर तो प्रोवाइड करूंगा ही, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतारोगे, लिखोगे। अगर तुमसे नहीं पॉसिबल होता है तो पेरेंट का या फिर अपने गार्जियंस का किसी का हेल्प लो, वीडियो कैसे पॉज करें, कैसे उतारें, है कि नहीं। बाकी हम लोग तो लगे हुए हैं, ठीक है। देखो, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म नेम्स ऑफ कलर्स, वन इज डन फॉर यू। देखो बच्चों, यहाँ पर उल्टा मतलब जंबल वर्ड टाइप का है। देखो ये जंबल है, दैट मीन्स आपको कलर का जंबलिंग है, आपको ये जंबल को तोड़ना है, ठीक ना, मतलब सही लिखना है। जैसे ई बी यू एल है तो इसका क्या बनेगा, बी एल यू ई ब्लू, जिसका एक मीनिंग निकलना चाहिए सही। तो ई बी यू एल का क्या बना, ब्लू बना। अब चलो नीचे वाले तुम खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे इसका तुम बताओ तो इसका क्या, तुम बोल रहे होगे सर इसमें देखो तो पिंक होगा। हाँ बिल्कुल सही हो तुम, इसमें क्या होगा, पिंक होगा, पी आई एन के, पी आई एन के। तो यहाँ क्या लिखोगे, पिंक लिखोगे, ठीक। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर है ई एन जी ई आर है, यहाँ पर कलर बोलो कौन होगा, जल्दी बोलो, तुम्हें पूछ रहा हूँ मैं, तो बोलोगे तुम सर ग्रीन होगा, है कि नहीं। यहाँ क्या लिखोगे, जी आर डबल ई एन ग्रीन, ओके। तो बाकी ये दोनों तुम खुद से करोगे, ठीक है, मैं इतना बता दिया, तो तुम खुद से करोगे तब तो सीखोगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोग का, ये देखो ग्रामर है, नेमिंग वर्ड्स है, ओके। नेमिंग वर्ड दैट मीन्स ये नाउन का बात कर रहा है, देखो नाउन का बात कर रहा है ना। नाउन के बारे में पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो टेंशन की बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो श्रुति है जे बाइसिकल, ठीक है। तो श्रुति क्या हुआ, नाउन हुआ। नाउन वैसे शब्द को कहते हैं जिसमें कि किसी भी चीज का नाम हो, वो क्या कहलाएगा, नाउन। नेमिंग बर्ड इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग बर्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को, दुनिया में कोई भी चीज है उसके नाम को क्या कहोगे, नाउन कहोगे। जैसे तुम मोबाइल पकड़े हुए तो तुम्हारे मोबाइल भी क्या है, नाउन है, ठीक ना, संज्ञा है। तुम खुद क्या हो, नाउन हो, ठीक। तुम्हारी पेंसिल और कॉपी लिए हुए हाथ में, वो सब क्या है तुम्हारे हाथ में, नाउन है। मैं क्या हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या है, नाउन है। यह स्क्रीन देख रहे हो, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक। तो यहाँ देखो नाउन का देखे सिंपल ओवरव्यू ले लो, बेसिक देख लो तुम अभी, ठीक ना, आसानी से जो तुम्हें समझ में आए। जैसे ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल, ए थिंग, ठीक। किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या किसी वस्तु का नाम रहे उसको नाउन कहेंगे, ठीक। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, ये सब क्या है, नाउन है। होम, गार्डन, स्कूल या ये सब क्या है, नाउन है। एनिमल में डॉग, स्पैरो, वोल्फ, फिश, ये सब क्या है, नाउन है। थिंग में बुक, कप, इरेजर, कार, टॉय बॉक्स, सब क्या है, नाउन है, ठीक। तो आगे देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, सेशन स्टार्ट करूंगा अगर मैं तो पढ़ाऊंगा। देखो रीड दीज नेमिंग वर्ड्स, राइट देम इन द टेबल बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो और नीचे देखो क्या है यहाँ पर, ये आपका देखो ऑप्शन है, ये क्या है आपका, एक तरह का मान लो ये ऑप्शन है, इससे पुट करना है किसमें, इन चारों में पुट करना है, इसमें से चुनो पर्सन कौन है, इसमें से प्लेस कौन है, इसमें से एनिमल कौन है, इसमें से थिंग कौन है। तो देखो तुम खुद बोलोगे सर पर्सन, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम या किसी पार्टिकुलर थिंग का नाम, किसी खास चीज का नाम। तो देखो पर्सन में क्या आ जाएगा, पर्सन में तुम्हारा सबसे पहले तुमको लग रहा होगा सर देखिए तो यहाँ वरुण है, तो वरुण आ जाएगा, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आएगा। प्लेस, प्लेस में क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। एनिमल में क्या आ जाएगा, एनिमल में देखो तो जिराफ आ जाएगा। और थिंग में क्या है, चेयर तो है ही है। दूसरा लाइन में बता देता हूँ, जैसे यहाँ देखो पर्सन में क्या आ जाएगा, सिस्टर, सिस्टर तुम्हारी बहन होगी, तो तुम्हारी सिस्टर क्या पर्सन ही है ना, व्यक्ति है ना, है कि नहीं, सिस्टर इसमें आ जाएगा। अब देखो प्लेस में कौन सा आ जाएगा, फिर से बोलो, प्लेस में तुम बोलोगे तुम ये भी ले सकते हो, ये तुम्हारा बैंक हो गया, बैंक तो थिंग है, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लेस में। हाउस आ जाएगा, हाउस कहाँ आ जाएगा, प्लेस में आ जाएगा, स्थान है। एनिमल में क्या आ जाएगा, एनिमल में तुम्हारा आ जाएगा ये टाइगर आ जाएगा। थिंग में क्या आ जाएगा,
थिंग में तुम्हारा कार आ जाएगा, क्लॉक आ जाएगा थिंग में, ठीक। तो बाकी खुद से बनाओगे, ठीक है, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ। देखो आगे आगे हम लोग देखते हैं क्या है, आगे है, हाँ ये रेट दिस सेंटेंसेज सर्कल द नेमिंग वर्ड्स व्हेन इट्स बीन डन फॉर यू। सर्कल करना है, नाउन को सर्कल करना है, ठीक ना, नाउन को, ठीक, नेमिंग वर्ड्स को सर्कल करना है जिसका तुम्हें पता लगे कि ना ये नाम है। जैसे यहाँ देखो, आई कैन सी ए पैरोट ऑन द ट्री, पैरोट मतलब तोता होता है, तो ये क्या है, नाम है, ट्री मतलब, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया और इसको भी कर दिया, ठीक। तो पैरोट और ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो कैट क्या है, कैट आपका नाउन है, तो इसको सर्कल करोगे और मिल्क को भी सर्कल करोगे, ठीक। तो यहाँ देखो, समीरा, समीरा को करोगे आप मुंबई को करोगे सर्कल, बाकी खुद से बनाओगे, क्योंकि बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। डू एज डायरेक्टेड वन एज डन फॉर यू, जैसे दिया गया वैसे बनाइए, ठीक। एक आपका एग्जांपल दिया गया, देखो जैसे देखो, आई लव माई नेम ऑफ ए पर्सन, तो एक पर्सन का नाम देना है जिससे तुम प्यार करते हो। यहाँ तुम अपने आई लव माई मदर यहाँ लिखा हुआ, तुम यहाँ फादर भी लिख सकते हो, ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो, ग्रैंड मदर भी लिख सकते हो, सिस्टर भी लिख सकते हो, ब्रदर भी लिख सकते हो, ठीक। ये नहीं कि मदर ही लिखना है, आई लव माई मदर, ये एग्जाम्पल देकर बताया गया। अगर सेकंड में देखो, ए द हैज ब्लैक स्ट्रैच, स्ट्रैच मतलब क्या होता है जानते हो, काला धारी मतलब धारी, मतलब वैसा जानवर का नाम बताओ जिसके शरीर पर काला रंग का स्ट्रैच होता है, मतलब धारी होता है। तो दिमाग लगाओ, तुम सोच रहे होगा अच्छा हाँ जेब्रा होता है, नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, द जेब्रा हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, एनिमल का नाम है जेब्रा, तो यहाँ जेब्रा भरोगे और बाकी खुद से बनाओगे। ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चलते हैं पंक्चुएशन। तो देखो पंक्चुएशन प्रीवियस क्लास में आई थिंक आप लोग बनाए होंगे, तो अगर नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है कि नहीं। देखो ध्यान से देखना, रीड दिस सेंटेंसेज, देखो रीड दिस सेंटेंसेज, यहाँ पंक्चुएशन मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन मतलब जानते हो, फुल स्टॉप का यूज करना, कैपिटल का यूज करना, स्मॉल लेटर का यूज करना, ठीक ना, तो उसको सही करना, ठीक। तो देखो क्या करना है, नीचे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ से, रीराइट विद करेक्ट पंक्चुएशन, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके एक किया गया है। जैसे देखो, सी लाइक चॉकलेट, तो सी में एस क्या है, यहाँ स्मॉल है और यहाँ क्या है, कैपिटल है, तो ये कैपिटल हो जाएगा, अब सही हो गया, लाइक्स में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो चॉकलेट्स, चॉकलेट्स में ये सब ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप होगा, तब ये जाकर के सही हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ, द ट्री इज ग्रीन, तो द में टी क्या होगा, कैपिटल टी एच ई, द ट्री ठीक है, इज भी ठीक है, ग्रीन भी ठीक है, और यहाँ पे क्या दोगे, फुल स्टॉप, द, तो इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे टी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद से बनाओगे, क्योंकि खुद से बनाओगे, एक और मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, माया इज ए नाइस गर्ल, तो माया में एम क्या होगा, कैपिटल इज ए नाइस गर्ल, वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर और फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक। तो सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या होगा बाबू, एम क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, हो गया, अब ये लगता है हाँ हो गया खत्म। तो खुद से बनाओगे और नहीं बनेगा तो फिर आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा, और पेरेंट्स का गार्जियंस का हेल्प लोगे इसको वीडियो को ओपन करने में, चलाने में, नहीं अगर आपसे होगा तो, ठीक है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट करो, पढ़ाई में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर के साथ, थैंक यू।